हिजबुल्ला रहनुमा हसन नसरुल्ला के जस्दे खाकी मलबे से मिल गया है। अरब मीडिया के मुताबिक उनके जिस्म पर किसी किस्म के जख्म के निशान नहीं पाए गए हैं। हसन नसरुल्ला की शहादत पर लब समा है, उनकी नमाज जनाजा और तदफीन कब होगी इस बारे में कोई ऐलान सामने नहीं आया। हसन नसरुल्लाह की शहादत, ईरान इराक लबनान में फिजा सोग हुआ। लबनान और इराक में सरकारी सतह पर तीन तीन रोज के शोक का ऐलान किया गया है, जबकि ईरान में पाँच रोजा शोक है। हिजबुल्लाह लीडर की नमाज जनाजा और तदफीन के दिन का ऐलान अभी सामने नहीं आया। ईरान में शोक सरकारी सतह पर पीर से शुरू होगा। हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा और तदफीन के रोज लबनान में सरकारी दफातर बंद रहेंगे। ईरान ने इसराइली जारियत रुकवाने के लिए अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त दी है। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की शहादत पर जवाबी कार्रवाई में अब तक 65 रॉकेट फायर किए, जिनके 22 इसराइल के कई शहरों में आग लगी। तेल अवीव में हमलों का अलर्ट जारी किया गया, सायरन बजाए गए। यमनी फौज ने बहरे अमर में 3 अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाने का दावा भी किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।